आगरा पचकुइयां के रहने वाले अजय बाथम ने एक ऐसी मूर्ति गणेश जी की तैयार की है जो बकायदा सांस लेती है, खाती है, पीती है, सुन सकती है। मोटिव यही है कि उसमें पूरी तरीके से जान डालने की कोशिश की उन्हें दिखाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि बेस्ट जो टायर होते हैं, जो ट्यूब होते हैं, उससे ये बनाई है मूर्ति। देखिए बकायदा जो गणेश महाराज की जो प्रतिमा है उनका आप ये पेट देखिए, ये मूव कर रहा है और ये सांस लेते ही अंदर जाता है, बाहर छोड़ता है। आंखों में कैमरा लगा हुआ है और जैसे ही कोई भक्त इनके पैर छूता है तो इनमें से थतास्तु की जो है आवाज जो सुनाई देती है यहाँ से। और क्या इसमें पूरी खासियत है, क्यों इसे बनाया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या क्या इनकी खासियत है और क्यों इन्होंने ये मूर्ति तैयार की है। अजय, इस बार गणेश चतुर्थी पर खास अपनी मूर्ति बना दी है जो कि सांस भी लेती है, बोलती भी है, सुन सकती भी है, क्या है, क्यों बनाया इसे? ये मैंने भक्तों के दर्शन के लिए बनाई है गणेश चतुर्थी के लिए। और इसमें ये है कि मैंने इस मूर्ति में इंसानी जान डालने की कोशिश करी है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि इनका सीने में दिल धड़कता है, सांसें चलती हैं, ये खा सकते हैं, पी सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, और इनकी नसों में भी मैंने रक्त देने की कोशिश करी है। कितना समय लगा मूर्ति को बनाने में और किस चीजों का इस्तेमाल किया? हाँ, मुझे इस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने स्ट्रेचेबल बनाने के लिए बस और ट्रक के ट्यूब का इस्तेमाल किया है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे हिडन कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरा, इन सब चीजों का मैंने इस्तेमाल किया है, मोटर है, आंखों में कैमरे लगे हैं। जी जी, आंखों में कैमरे लगे हुए हैं और दिल भी धड़कता है। हाँ। कितना वक्त लग गया पूरी मूर्ति को बनाने? पूरी मूर्ति को मुझे पूरे 8-9 महीने लग गए हैं इसको बनाने में। और कहां से आइडिया आया कि क्यों इस बार गणेश चतुर्थी पर ऐसी मूर्ति बनाई जाए जिसमें जान भी है? हाँ, मैंने बस ऐसा ही सोचा था, मैंने भक्तों के लिए कुछ नए तरीके से मूर्ति बनाई जाए और तो मैंने ये मूर्ति तैयार करी है गणेश चतुर्थी के लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मूर्ति से? मैसेज से बस ये देख मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन करें और बकायदा इनकी काबिलियत और इनका देखिए हुनर देखिए कि उन्होंने बेस्ट मटेरियल से ट्यूब टायर से देखिए भगवान की कितनी अच्छी प्रतिमा बनाई है जो बकायदा सांस ले सकती है, देख सकती है, बोलती भी है, खाती भी है, सुनती है। एक हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल लगा है तो एक में फरसा लगा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से इसे डेकोरेट किया है। लगभग 8-9 महीने में अजय ने ये मूर्ति तैयार की और इस बार गणेश चतुर्थी पर इसे लोगों के लिए रखा जाएगा ताकि लोग पूजा अर्चना कर सकें। मोदी जी का छोटा स्टैचू भी यहाँ उन्होंने रखा है ताकि दिखाने की कोशिश की है कि देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो वाकई में इनकी कला अद्भुत है और अद्भुत उन्होंने एक मैसेज दिया है कि बेस्ट मटेरियल से भी चीजें तैयार की जा सकती हैं। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज 18 आगरा।